हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इंडियन ओवरसीज बैंक कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, वो आप चाहें तो इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडियन ओवरसीज बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ही आसानी होगी इंडियन ओवरसीज बैंक कस्टमर्स के लिए कि उनको आप ऑफलाइन ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर चाहें तो ऑनलाइन ही इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट होना चाहिए, मतलब हमारे पास अकाउंट नंबर मौजूद होना चाहिए है इंडियन ओवरसीज बैंक का। इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए है, वो मोबाइल नंबर जो हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में रजिस्टर्ड और लिंक्ड हो। इसके अलावा पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पैन नंबर की। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि कैसे हम इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स नहीं है, वो तो ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, उनको ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। और ये हो सकता है कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर नहीं है, मतलब कि जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट नहीं है, वो अगर इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में विजिट करें, तो उनसे कहा जाए कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक में पहले अपना अकाउंट ओपन कराइए, क्योंकि कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जो कि जब तक अकाउंट ना हो तब तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, मतलब कि अपने कस्टमर को ही प्रेफर करते हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। तो अब आइए हम ये समझते हैं कि जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स हैं, वो ऑनलाइन इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कार्ड्स का, तो इसलिए आपको इस तरह से टैप कर देना है और यहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नो मोर वाले ऑप्शन पर आपको इस तरह से टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड दिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर आपको इस तरह से टैप कर देना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना होता है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक का अकाउंट नंबर है वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे एंटर करना होता है, और यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद आपको सबमिट पे टैप कर देना होता है। अब इसके बाद जो वैलिडेशन होता है, और उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। तीनों स्टेप्स वन बाय वन आपको कंप्लीट करने होते हैं। अब क्योंकि मैं इंडियन ओवरसीज बैंक का कस्टमर नहीं हूं, तो इसलिए मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया है, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक का कस्टमर हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास ना अकाउंट नंबर है, ना तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पैन नंबर तो है, लेकिन जब अकाउंट ही नहीं है इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो कैसे मैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स हैं, वो अगर चाहें तो इंडियन ओवरसीज बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर देगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।